का बेंगलुरु पांच शहरों के साथ जुड़ जाएगा और अयोध्या को भी आप इसमें गिन लीजिए, क्योंकि ट्रेन में आपको बदलाव नहीं करनी पड़ेगी, केवल दिल्ली में हॉल्ट 40 मिनट का करना पड़ेगा। तो अयोध्या को भी आप इसमें गिन लीजिएगा, छह शहरों के साथ वो ग्वालियर आज जुड़ जाएगा। और आज हर हफ्ते 33 विमान की आवागमन ग्वालियर से होती है, जो 60% की वृद्धि आज होती है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आलोक सिंह जी को कि जो कहा, जहां एक तरफ इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ शारजा और दुबई के साथ एरिया एक्सप्रेस से जोड़ा है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर को बंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस से जोड़ा है। 7 दिन हफ्ते में ये विमान चलेगी और यही विकास की श्रृंखला हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में उजागर करना चाहते हैं। जहां शहरी क्षेत्र में हम लोग बात करें, 2014 में पूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 13 देश के शहरों के साथ जुड़ा, आज वही मध्य प्रदेश 2.5 गुना ज्यादा देश के 31 शहरों के साथ जुड़ चुका। कहा 13 शहर, कहा 31 शहर और 2 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य दुबई और शारजा के साथ भी जुड़ चुका। जिस मध्य प्रदेश में केवल 540 एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ते होते थे, आज उसी मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक मूवमेंट आज तैनात हो चुके, मतलब 100% से ज्यादा वृद्धि हुई। और अधोसंरचना की हम बात करें तो जहां ग्वालियर के 500 करोड़ रुपए की टर्मिनल की बात की, आज जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं शहडोल में, उसी के पास जबलपुर में 425 करोड़ रुपए का भव्य नवीन टर्मिनल बन रहा है। रीवा में एटीआर प्लेन लाने के लिए 90 करोड़ का निवेश वहां के एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है। दतिया में नवीन टर्मिनल बन रहा है, सतना में नवीन एयरफील्ड बन रहा है। तो एक विस्तृतीकरण नागर विमानन विभाग का, जो मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर तक अटका हुआ था, पिछले 2 वर्षों में हमने 3 नए गंतव्य को जुड़ाने की कोशिश की है और इसी वर्ष में इन 3 गंतव्य तक हम लोग ट्रेन ले जाने की भी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ इन 3 एयरफील्ड का लोकार्पण भी करेंगे और हम ट्रेन भी लेके आएंगे। ये विश्वास सतना, रीवा और दतिया की जनता को मैं इस कार्यक्रम से देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि पूरा इको सिस्टम नागर विमानन क्षेत्र का हमें तैनात करना होगा। जिस मध्य प्रदेश में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन केवल 3 थे, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, इसी वर्ष हमने उन 3 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाकर 6 कर दिया। खजुराहो में 2 और एफटीओ और खजुराहो में पूरे देश का नहीं लेकिन पूरे विश्व का, पूरे एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का लोकार्पण भी खजुराहो में एशिया का पहला वाला हमने कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, ग्वालियर बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है और ग्वालियर, ग्वालियर बदलता हुआ ग्वालियर, हमारा ग्वालियर नया ग्वालियर। चाहे हम नया 1000 बिस्तर की अस्पताल की बात करें, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें, 1500 करोड़ रुपए का ग्वालियर का एलिवेटेड रोड की बात करें, नया टर्मिनल, एयर टर्मिनल की बात करें, 500 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन की बात करें, भव्य रूप महाराज बाड़ा की बात करें, ग्वालियर चमकता हुआ सितारा मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्रीय पटल पर उभारने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे स्थानीय सांसद शेजवलकर जी के नेतृत्व में, प्रदोष सिंह जी के नेतृत्व में, हम सब मिलकर इसे साकार कर पाएंगे, इसका पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ ग्वालियर के वासियों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और संपूर्ण मध्य प्रदेश के वासियों
दिशा में ये संकल्प लेना चाहता हूँ कि हमारा विभाग मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी से मेरी और भी बात हुई है, वो रहस्य अभी मुख्यमंत्री जी और हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे। जब सही समय आएगा तब मुख्यमंत्री और जी और हम दोनों मिलकर उस विषय पर भी जनता के समक्ष हम चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए बहुत सारी सौगात लेके आ रहा है और नित्य नया नित्य दिन
दिन दिन जबते बढ़ता दिन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की उस हवा में भारत का भी प्रकाश लगातार फैलता जा रहा, दुनिया उसे चमक रहे। मेरी अपनी ओर से जनरल वीके सिंह जी को बधाई, माननीय प्रदेश सिंह जी को, मेरे ग्रैंड शेजवलकर जी को, मोहन सिंह जी विधायक जी को और सभी इस अवसर पर अतिथियों का बधाई, जिसने इस पूरी नई सौगात की लिए अपना समय भी निकाला और उपलब्धि में वो सहभागी हुए। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि ये कारोबार होने वाला नहीं है, आपने खास करके प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के विमान तो बने ही, हमारी छोटी छोटी हवाई पट्टे को विकसित करने में मैं उड्डयन मंत्रालय का सहयोग लेना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आने वाले समय में कि हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हरेक जिला स्तर पर पहुंच जाए, स्टेट गवर्नमेंट उसका टारगेट लेकर चल रही है। आपके नेतृत्व में श्रीमान सिंधिया जी, इसमें भी हमारी मदद की आवश्यकता लगेगी। इसी के साथ साथ जो हमारे बाकी पर्यटन स्थल है, जहां हमने वेंचुरा का प्रयोग आज से 15 साल पहले किया था, इस प्रकार की हवाई टैक्सी की सुविधा भी हमको मिले। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ते दौर में मध्यप्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने ठोस कदम हवाई यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए भी करे, जिसमें जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिले और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में सशक्त रूप से हम आगे बढ़ पाए, तो उसमें ये एक बड़ी भूमिका हवाई यातायात की भी रहेगी। निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में हमारे और हवाई अड्डे जिस प्रकार से वर्तमान समय चल रहा है कि कार्गो की जो संभावना उसमें भी काम होगा और हमारे अपने खास करके उज्जैन दतिया के साथ साथ ऐसे कई और नए क्षेत्रों में भी इनकी संभावना खोलने का हम लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस नई फ्लाइट की एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.